निहारिका, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीचे रखो और हाथों को देखकर काम करो। शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए आज के लिए? आज का काम उत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा, ये बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ये कहने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेंगी, तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं जागा? बीजगुप्त, इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएंगी। यहां जिस जिस का काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक एक से कहूं तभी नहीं यहां से जाना है। और तुम श्यामान, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। निहारिका, तुम यहां बातें सुनने के लिए रुकी हुई हो, जाओ उधर जाकर अपना काम करो। तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है क्यों? देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ लचता है ना कुछ बिखरता है। इसका कारण है। क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हूं, परंतु उससे क्या होता है? सब कुछ उसी से होता है, हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंदिया जाती हैं। तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता। पहले सोचा करते थे, और सोचने का परिणाम ये हुआ, सोचना छोड़ दिया। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए? पर मैं कब सोचना चाहता हूं? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आदमी से नापक पड़े तो सब कुछ उलझता रहता है। लाओ पत्तियों का ये ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूं। तुम दीपक जलाओ। लो, क्या हो रहा है तुम्हें? इस तरह खड़े क्यों हो? पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा से गिराता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने? दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है, आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेंगी। आज कितने वर्षों बाद तो उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया। यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूं श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहां तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही बात सोच रहे हैं, परंतु कोई भी मुंह से कुछ कह नहीं पाता। हम सब के सब न जाने क्यों यार। छोड़ छाड़ कर
रात के अंतिम रहस्य भोज आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही है। रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधु चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी, हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसकी एक एक अंग की गोराई से। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, और जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो लगा जैसे क्या सोच रही थी मैं। हाँ, तूने शशांक से कह तो दिया है कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। अब तक आपने आदेश नहीं दिया। आप आदेश दे तो मैं अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर कैसे सोच लिया मैंने कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आते ही सोच लेती हूँ कि वो पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा तू जा और जाकर शशांक से कह दे, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आसव को मिलाकर कई कई नए संरक्षण प्रस्तुत कर सकता है। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। अभी जाकर कह देती हूँ। यहाँ का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए पत्तियां। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग तुम इस तरह खड़े खड़े क्या सोच रहे हो कि आग काट के अंदर है या काट के बाहर? देखो ये चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर पत्तियां सुलझा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है। तुम आओ श्वेतांग। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां ना सोची तो क्या आज का मौसम नहीं होगा? श्वेतांग कहता है कुछ सोचो नहीं, पर सोचना ना सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत आम कैसे बोराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती थी, परंतु तब यहां काम उत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी, और यहां रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज क्या होता जा रहा है मुझे। और अब मुझे करना क्या है? हाँ, इसे बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी है।
अजाने इनका सिरा कहाँ है, एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ लेने नहीं आता। तो सपने भी देखती है तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल का आकाश। इसका तो अब काम इस तरह से होता है श्यामा, उन्हें तोड़ तोड़ कर क्या देख रहे हो कि पत्तियां डोरियों में उलझी या डोरियां पत्तियों में? नहीं देवी, मैंने तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूं कि किसी तरह की सूरत चाहे। हाँ, इसी चेष्टा से तो ये सुलझेगी। जाओ ये काम किसी और के हाथ में सौंप कर कहीं एकांत में बैठकर सोचो। जब हाथों में कोई काम नहीं होता है तो हाथों का क्या करना चाहिए? जाओ। हाँ तो तू अपने सपने के बारे में कह रही थी ना अलका, क्या देखा था? कह रही कि सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ तो उपाय करना होगा। प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुना है सच होते हैं, इसलिए तो उपाय करना होगा। अन्यथा ये ना हो कि कल को तू भी कहीं भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगी। मैं और भिक्षुणी का वेश, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ कि कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी और भिक्षुणियां कैसी लगती है। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। बहुत सहानुभूति भी होती है। परंतु देवी। हाँ, कह, रुक क्यों गई? संभव है आज मैं उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती होगी। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वो गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को ही है। देवी यशोधरा को है? नहीं, यदि देवी यशोधरा का आकर्षण राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ही ना होते? ऐसा ना कहीं देवी। क्यों, क्या ये सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है। परंतु मैं जानना चाहती हूं कि कामनाओं को जीता जाए क्या ये भी एक मन की कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है? तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चों बूढ़ों तक में इतना उत्साह क्यों है? क्यों संध्या होती ही वे उनकी उपदेश सुनने नदी तट की ओर मर पड़ते हैं? इसलिए अलका, क्योंकि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ही उब जाते हैं, फिर जहां भी नवीनता दिखाई देती है उसी ओर उमर पड़ते हैं। ये उत्साह दूध फेन का उबाल है, चार दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। परंतु क्यों मैं इससे पहले कभी ऐसा सुन, तड़ती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। आपको ऐसे नहीं लगा जैसे? बोल नहीं, चुपचाप सुन। स्वर की तुलना है कहीं? कह नहीं सकती कि क्या देख सुंदर है। ओस से लदे
कमलों के बीच में राजहंसों के इस जोड़े की किलोल या झुलपुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कूजन। कोई गौतम बुद्ध से भी कहे कि कभी कमल ताल के पास आकर इनसे भी अमरत्व और निर्वाण की बात कहे, वे चोच से चोच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगी। सोचती हूं अलका, उस दिन गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने का नहीं होगा। चाहूंगी कि उस दिन वो किसके दृष्टि आइए कमल तार पे पत्थर मार दे रहा है। मैंने ऐसा तो पहले भी कई बार सुना था, रात के समय हम सकारण नहीं बोल रहे थे। ध्यान में जाकर देख किसने ऐसी चेष्टा की है, उससे कहना कि मैं उसे अभी यहां बुला रही हूं। नहीं समझ पा रही, कामोसा की रात में किसी का राजहंसों के ऊपर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना, ये एक आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न, परंतु ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा प्रयत्न किया है। तो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। राजहंसों पर नहीं देवी, राजहंसों पर नहीं। राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं, वो एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। वो एक और ही छाया थी? जान सकती हूँ कैसी छाया थी? जाने कैसी छाया थी, जो जो अंधेरा गहरा हो रहा था वो छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। ये मान क्यों नहीं लेते, तुमसे अनजाने में अपराध हुआ है, अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो तो देवी। छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था अपराध था, यदि सचमुच अपराध था तो मैं क्यों फिर से वही बातें किए जा रहे हो? स्पष्ट क्यों नहीं कह देते हो कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने कब पत्थर उठाया कब तुम फेंकने लगे? मेरा मन कहीं और था, मेरा मन कहीं और होता तो मैं उस छाया को देखकर किस तरह। नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था, तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा है। अब तुम्हें उस छाया से बचाने का एक ही उपाय है कि तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। नहीं देवी। श्वेतांग, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी? हाँ देवी। तो तुम्हें एक काम और करना है, तुम्हारा सहयोगी श्यामांग एक छाया से पीड़ित है, उसे उस छाया से मुक्त कर। छाया वहां है देवी, कमल ताल पर, जब मैं वहां से चला तब भी छाया लगता है। तुम्हें जो भी लगता है वो आकर कहना, पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ। जाओ। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, यदि तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था तो वो केवल तुम्हारे मन की भ्रांति। न जाने क्यों श्रृंगी को देखकर सदा मन में उलझन सी होती है। तुझे क्या हो रहा है अलका, तू वहां इस तरह क्यों खड़ी है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? तेरे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे इधर आ मेरे पास। पता ना क्या बात है, कहीं फिर से तो तू अब शुभम के बारे में नहीं सोचने लगी? नहीं देवी, मैं केवल इतना सोच रही थी कि उसने जो कुछ भी किया शायद जानबूझकर नहीं किया। तो तू कहना चाहती है उसने जो कुछ भी किया है उन्माद में आकर किया है? उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया है। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ,
उससे अंदर ही अंदर कुछ होता जा रहा है, कि उसके मन में कुछ कुछ ग्रंथियां सी उलझ गई है जिनके कारण वो ये सब सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। दीदी मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए मैं कोई उसके लिए कुछ करे जिससे वो। अच्छा बता तू उससे प्रेम तो नहीं करती? ओ मैं नहीं सोचती थी कि तू, पर अलका तू किसी से प्रेम करती है तो उस तरह के सपने कैसे देख सकती है? और क्या श्यामांग ऐसा व्यक्ति है जिससे तुझे सचमुच विश्वास है कि तू उससे प्रेम करती है और चाहती है कि उसे इस तरह का दंड ना दिया जाए? तो देख ऐसे ही होगा, अभी श्वेतांग लौट कर आता है तो मैं श्यामा के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ।
देवी का आदेश था कि मैंने ही तुम्हें बुला भेजा था। बताना चाहती थी कि आज उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस प्रकार लगाने होंगे कि चार चार छह छह व्यक्ति एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सके। सारा जमघट एक ही स्थान पर हो ऐसा मैं नहीं चाहूंगी। और जितने भी मदरा पात्र हैं वो सब कमलताल के चबूतरे पर रखवा देना। जाओ। जी बेटी। सुंदरी। मैं सोच रहा था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहाँ कक्ष में किया जाए तो। यहाँ इस कक्ष में? क्या इस कक्ष में इतना स्थान है कि सारी अतिथि यहाँ आ सके? नहीं इतना स्थान तो नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि और मदरा लेंगे। अभी मैंने कहा था तो आपने। नहीं मैं इस विचार से इधर नहीं आया। आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। हाँ कहना चाहता था कि संभव हो उतने लोग ना आए जितनों के आने की हम आशा कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? आज से पहले ऐसा कभी हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राज पुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने आप को कृतार्थ ना समझा हो, कोई एक भी व्यक्ति यहाँ आने से रहा हो? हाँ अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई ना आ सके तो बात दूसरी है। मेरा अभिप्राय भी यही था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसे कारण हो जाए। अभी आते हुए मैं सोमदत्त और विशाखदेव के यहाँ स्वयं होकर आया था। आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं? आपका स्वयं उन लोगों के यहाँ जाना वो भी विशेष रूप से, कि आप मान का विषय नहीं है? मैं विशेष रूप से नहीं गया था, गया था देवी यशोधरा से मिलने। देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? उन्होंने बुला भेजा था। बुला भेजा था क्यों? उन्होंने कहलाया था कि कल से वो भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुओं के शिविर में चली जाएंगी। इसलिए क्या चाहती है कि आज अंतिम बार भवन के सभी बांधवों से मिलने। ओह तो उनकी मन का मोह अब तक छूटा नहीं। बात मोह की नहीं है सुंदरी, या संभव हो ऐसा ही हो, उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांगी। नहीं मैंने उनसे कह दिया कि आज तुमने कुछ अतिथियों को बुला रखा है। इतना ही? कामों सब की बात ना कह सके? ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये बात वो पहले से जानती थी। जानती थी ना? मैं जानती थी कि मैं अवश्य जानती होगी। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम ना भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद आकर। हाँ तुम वंचना की भी एक सीमा होती है, आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और वो भी मुझे। मन में क्या सोचती होंगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे मुंह से ये सब? देवी कुमार आपके आदेश का पालन हो गया है, श्यामांग को मैं श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है उसने जो कुछ भी किया है उन्माद में आकर किया है, तो उसके संबंध में दूसरा आदेश ये है कि इसी समय जाकर उसे वापस लाओ या अभ्यंतर भाग के कर्मचारियों के कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं हो जाता वही रहेगा, वहां अलका उसकी देखभाल करती रहेगी। जाओ। श्यामांग को क्या हुआ? अभी तुम उसके अपराध की बात क्या कर रही थी? आप मुझे स्मरण ना दिलाएं, मैं उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। परंतु उसने ऐसा क्या किया जिसे अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए तुमने उसे... कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा। अब मैंने उसे क्षमा कर दिया है तो क्या बात वही समाप्त नहीं हो जाती? ये बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहां तक उसके उन्माद का प्रश्न है उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है। नहीं कर दी है? श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना, सुनकर ही कह रहा हूं। तुम जानती हो ना सुंदरी कि श्यामांग इस भवन का अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे मुझे आपको विशेष स्नेह है, जिसे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है। जानती हूँ। जानती
क्यों तुम उस व्यक्ति को सदा अनुदार की दृष्टि से देखती हो? जहां तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग 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 क्या उस व्यक्ति को छोड़कर यहां किसी और विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती? मैं छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। तो ऐसे क्यों हो रही हो? कैसी हो रही हूं ये तो मैं ही बता सकता जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हो। रहने दीजिए, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। पर ये बातें मेरी नहीं, तुम्हारी कही हुई हैं। तुम्हें याद नहीं? मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं। अच्छा, क्या क्या ये भी याद नहीं कि आज तुमने कामोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आए? कुछ अतिथि? आप बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि सभी अतिथि नहीं आएंगे? क्या सोमदत्त और विशाखा देव इस बात से लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके आप कहने के लिए गए थे? वे लज्जित थे सुंदरी, लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वो नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे क्यों? क्षमा चाहते हुए दिन नहीं कहला भेजा था, परंतु मैंने बताना उचित ना समझा, सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं उधर जाऊंगा तो वो मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। परंतु उसमें ना बताने वाली कौन सी बात थी? आपने मुझे बताया होता तो मैं आपको कभी किसी के घर नहीं जाने देती। मेरे उस सब में लोग आग्रह करने से आए, इससे उनका ना आना ही अच्छा है। और दो व्यक्तियों के आने ना आने से अंतर भी क्या पड़ता है? इस तरह क्रोधित नहीं होते। शायद कुछ लोग आ रहे हैं। आज मैत्री हमारे पहले अतिथि, आपका स्वागत है। हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि। एकमात्र अतिथि? तो क्या और लोगों में से कोई नहीं है? जिन जिन से मिला हूं उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। रविदत्त, अग्नि वर्मा, नील वर्मा, इशार शवाल आदि सभी। और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष और शालीमित्र? लोहिताक्ष और शालीमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करूँ, वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने का मन ही नहीं हुआ। परंतु आपको इन सभी से कहने जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। क्या इन सभी ने आपको संदेश भेजवाया था कि ये लोग नहीं आएंगे? सब ने नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था। और आपने मुझसे इसकी चर्चा तक करना आवश्यक नहीं समझा। मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था, सोचा कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से आ जाएंगे। कितना मान होता ना मेरा कि जाकर कहने से लोग मेरे घर आते और मुझे इस घर में उनका स्वागत करना पड़ता। मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जाए। कामोत्सव कामना का उत्सव है आर मैत्रे, और मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं। क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है और मेरे अंतर में उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ, किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। षड्यंत्र इसमें कोई नहीं है सुंदरी। षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहां से आई है ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आगे चाहूंगा कुमार, और रुककर मैं राजकुमारी के द्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। आगे ठहरो मैत्री, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण
मैं स्वयं हूं और मैं किसी को अधिकार नहीं देती कि वो मेरे उद्वेग का कारण भी बन सके। आर मैत्री यदि जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। कह दीजिए उनसे जिन जिन के यहां होते हुए आए हैं उन सभी के यहां एक बार और होते हुए जाएं और कह दे उन सभी से कि मेरे यहां आने की वे किसी कल की प्रतीक्षा में ना रहे। वो कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सुंदरी बात तो सुनो, सुंदरी नहीं सुनोगी, तुम कभी नहीं सुनोगी। मैं आगे चाहूंगा कुमार। देखो मैत्री, मैं समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते मैत्री, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो। जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। वो तो अभी मूर्छित है, यदि देवी सुंदरी सो रही है, नींद देर से आई थी इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है।
जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वो भी अनागत में होता है। कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में, कुछ भी तो नहीं था इसने, क्या कहा गिरा, क्या कैसे टूट गया। ऐसा कैसा लगा था उस समय मन में, मन होता था पर इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के ना आने की निराशा, फिर इतना तो सोचना चाहिए था इसे कि इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो मैंने प्रयत्न किया था। उस समय तो क्रोध में थी, तू कितनी उग्र, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हूं तो कितनी अबोध, कितनी निर्भर, कितनी करुण लग रही हो। बिल्कुल बिल्कुल उस मृग की तरह जिसे कल वन में अकेला पड़ा छोड़ आया था। जब तक वो भी चुनौती देता दौड़ रहा था, तब तक वो भी कितना प्रखर लग रहा था। आप अभी तक इसी कक्ष में, अभी प्रभात नहीं हुआ। तुम उठ क्यों गई, अभी सो रहे हो। ये दीपक रात भर चलते रहे, मुझे नहीं बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए। आपने जलाए हैं क्यों, दास दासियों? नहीं चाहता था इस समय कोई भी यहाँ की अव्यवस्था हो रही। आप सोए नहीं? चेष्टा की थी, नींद नहीं आई। मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। तुम्हारे प्रति क्रोध मेरे मन में, तुम ऐसा सोच भी सकती हो? चाहती हूँ कभी कभी सोच सकूं सच। आप मुझ पर कभी क्रोध क्यों नहीं करते? इतनी बार इतने तरह के कारण हो सोचता हूँ, ये सब सहेज देना ठीक होगा। दास दासियां इस तरह सब कुछ पढ़ा देखेंगी तो क्या होगा? हमारे अंतरंग जीवन को लेकर किसी को कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। कहने का अधिकार ना, किंतु सोचने का अधिकार हर एक को रहता ही है। अच्छा लग रहा है क्या आपका ये सब सहेजना? मन होता है कि क्या मन होता है? कुछ नहीं। ये मदिरा बात औंधा कैसे हो गया तुम्हें नहीं पता? मुझे खेद है। किस बात के लिए? रात के अपने व्यवहार के लिए। सचमुच
बहुत खेद है। सुंदरी, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम विक्षुब्ध थी। तुम्हारी मनस्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। नहीं, आप कभी ऐसा ना करते। आपको मैं जानती नहीं हूँ। तुम जानती हो तो ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसे ही, क्योंकि कहना अच्छा लगता है। कई बार सोचती हूँ। क्या सोचती हो? सोचती हूँ कि आप मुझसे रुष्ट हो जाए और दो एक रात मेरी कक्ष में ना आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। नहीं, फिर भी चाहते हो? क्या होता है? सोने के लिए क्या रातें नहीं आएंगी? आएंगी तो, परंतु सोकर उठने के बाद अपना चेहरा कैसा लगता है? कैसा लगता है? इसमें तो कांति है ही नहीं। आपको नहीं लगता? ना, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो तुम बल्कि और भी सुंदर लगती। ये सब बस कहने की बातें हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। मैं अलका को बुलाकर प्रसाद। मैं यहाँ खड़ा रहकर देखता हूँ तो आपत्ति है? हाँ, है। चाहिए ना? निहारिका, अलका कहाँ है? अभी अभी बाहर गई है। कह गई है कि आपका कोई आदेश। परंतु गई कहाँ है? कह रही थी कि कभी राज से कुछ पूछने जा रही है। श्यामांग राज को। ओ, श्यामांग, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ही उसे यहाँ परिचर्या के लिए बुलाया है। मुझे श्रृंगार प्रसादन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे काम नहीं होगा। आप आदेश दें तो मैं जाऊं। नहीं, उसे श्यामांग को उपचार करने दे। मैं अपना प्रसादन स्वयं कर लूंगी। सुनिए, लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। क्यों? प्रभात होते ही आकेट का उस समय नहीं जाग आया? नहीं, उस मृग के बारे में सोच रहा हूँ। सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओर। इधर आइए। वहां पड़ा कर वो कैसा लग रहा था? और इस समय प्रभात का फीका चांद मुझे कुछ ऐसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। देखिए, अलका नहीं है। मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे घने वृक्षों की ओट में वो सदा इसी तरह से अटका है, इस आशा में कि कोई उसे देख लेगा और अपनी बाहों में उठाकर ले जाएगा। आपने सुना है मैंने क्या कहा है? हाँ, क्या कहा है? कहा है कि अलका नहीं है। मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना है, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। अभी तो तुमने कहा था कि वो तो तब कहा था। आप कह रही हो ना कि आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। और अभी थोड़ी देर में फिर कह दूंगी। बाधा नहीं डालते। एक बात करूं? हाँ, कहो। आपको माननी होगी। मैं तुम्हारी बात कब नहीं मानता। वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। तुम्हें
लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ और उसके विषय में सोचेंगे भी नहीं। ये तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उसी विषय में सोच रही हो? और उसकी याद भी मुझे नहीं दिलाएंगे। मुझे याद रहेगा तो ना याद दिलाऊंगा। और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। हाँ प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा। प्रातः होते ही मृत के बारे में सोचेंगे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे? एक बात का निश्चय मैं कभी नहीं कर पाता। कौन सी बात? कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चादरी पर? आप मुझे चतुर कहते हैं? नहीं हो? नहीं ना, ना। चंदन लेप कहाँ है? अलका ने ना जाने। चंदन लेप यहाँ है, ये लो। ये तो खाली है और जो थोड़ा बहुत लेप था वो भी सूख गया है। याद नहीं कल रात तुम्हीं ने? फिर कल रात की बात की। अच्छा नहीं करूंगा। अब जो की उसके लिए दंड भुगतना होगा। और दंड क्या होगा? दंड होगा कि आपको वो दर्पण लेकर यहाँ खड़े हो जाना होगा। वहां उजाला नहीं है, मैं अपने आप को ठीक से देख नहीं पा रही। बस इतना ही? नहीं इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज और कहीं नहीं जाना होगा। आखिर के लिए भी नहीं, यही रहना होगा मेरे पास सारा दिन। देखिए आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। मैंने आपत्ति कहा थी? पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपका ब्याह एक यक्षिणी के साथ हुआ है जो सदा आपको अपने जादू से चलाती है। तो इसमें झूठ क्या है? झूठ नहीं है, सच है ये। यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, किंतु मानू ही नहीं ऐसा रूप मानव का होता है। नहीं होता, बहुत मानवी रूप देखे। लीजिए दर्पण और जाकर वहां खड़े हो जाइए। और अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। तर्पण हिल गया, क्या कुछ देर स्थिर नहीं खड़े रह सकते? अब ठीक है। हाँ देखिए अब हिलिएगा नहीं। दीजिए दर्पण, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। कक्ष में चले जाए, मैं एकांत में रहना चाहूंगी। देखो कहा है ना, एकांत में रहना चाहूंगी। मुझे यहां से जाने का अधिकार नहीं है, मैं सारा दिन तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूं। वचन आपने मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। परंतु मैं वचन मुक्त नहीं होना चाहता सुंदरी। मैं एक बात जानना चाहती हूं, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना अकारण ही था या उस समय आप कोई और बात सोच रहे थे? ये सब तुम्हारे मन की भ्रांति है। बात केवल इतनी सी है कि मैंने दर्पण को अधिक ऊंचा उठा लिया था जिससे उसका संतुलन बनाना रह सका। देखो क्रोध मन से निकाल दो,
मैं अभी अपने हाथों से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता। आप उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होंगी और आपसे भिक्षा लेने के लिए मेरी इस द्वार पर रुकी होंगी। मैं तो नहीं पर शायद तुम ये बात सोच रही थी, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं भी वही सोच रहा हूँ। आप उससे कहते हैं मैं यही ये बात सोच रही थी? हाँ, मुझे उस समय यही बात तो सोचनी थी। इस तरह क्रोधित नहीं होते सुंदरी। हाँ, कह रहे थे ना कि अपने हाथों से मेरा प्रसादन करेंगे। तुम ऐसी ही रुकी रहो, मैं क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा, बीच में सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति, शेष चारों ग्रह और गरुड़ फूलों के पास राहु और केतु। आप मेरा सारा प्रसादन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों में गुरुजल लगाएंगे, शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? तो पहले विशेषक बना दीजिए। क्षमा मांगनी चाहिए? ऐसा सोचते हैं तो चले जाइए।
सोचता हूँ यदि जाना है तो इसी समय जाना चाहिए, यही ना। मुझे दिए हुए वचन के कारण विवशता का अनुभव करते हैं। वो विवशता अब नहीं रहेगी, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। अभी मन में दुविधा है? नहीं, दुविधा नहीं है। तुम मन से कह रही हो ना, चला जा। मन से नहीं तो कैसे? मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तक पर आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर समय। मैं प्रतीक्षा करूंगी। सुनिए, पूरा आकाश नहीं तो एक ग्रह तो माथे पर अंकित करते हुए जाइए। यदि तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तो बस एक ग्रह अंकित करने की बात कही। सूर्य तो सूर्य का शेष परिवार आप आकर अंकित करेंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। पर ये कैसे संभव होगा? ये बिंदु तो कुछ ही क्षण में सूख जाएगा और मुझे लौट कर आने में कहा है ना, इसे सूखने नहीं दूंगी, निरंतर इसे भिगोकर गीला रखूंगी। शेष प्रसादन भी आपके लौट कर आने पर ही करूंगी, तभी बाल भी बांधूंगी। सब कह दोगी, बस यही नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है? आप कल रात भर सो नहीं सके ना? तो कुछ नहीं, देर से आएंगे तो आज भी रात भर जगने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो कांधों को फूलों से सहलाकर जगा दूंगी, और फिर भी नींद आएगी तो सोने नहीं दूंगी। चाहेंगे तो भी मैं आपको रुकने नहीं दूंगी। मुझे सदा से वही करना है जो तुम चाहो, और वैसे ही करना है जैसे तुम चाहोगी। सूचना न देने से वे लौट तो ना आते।
परंतु अलका मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर विश्वास नहीं आता। मन तो ये भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से चुरा ले गया है। नहीं, यहाँ ऐसा साहस कोई नहीं कर सकता कि उन्हें ताल से चुरा ले जाए। साहस की बात आज नहीं कह सकती, परंतु यदि किसी ने ऐसा साहस किया है तो वो हो कौन सकता है। देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वो तो कल सारी रात और आज सारा दिन साथ वाले कक्ष से बाहर ही नहीं आया, और इस बीच अधिकांश समय मैं स्वयं उसके साथ रही हूँ। उस पर मुझे संदेह नहीं है, इसलिए तो तय नहीं कर पा रही हूँ कि ये हुआ कैसे। राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें से अवश्य आहत था। तो क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे स्वयं अपनी इच्छा से कहीं उड़कर चले जाते। फिर इतने दिनों तक जिस ताल में रहे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था। संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। होने को कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है यही कारण हो। रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगे। अब तक किया ही किया है विश्राम के सिवा। चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। कह दिया ना नहीं, तू एक एक बात को लेकर हट क्यों करती है। हट मैं कर सकती तो बिना प्रसादन नहीं रहने देती आपको। बिना प्रसादन आपका रूप। मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं है। कुमार लौट आए होते तो क्या आप इस प्रकार रहती। इसलिए कह रही हूँ संभव है कुमार। तू समझती है कि मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही होती ना तो अपने माथे के इस बिंदु को सूखने ना देती। मुझे कहीं खेद है तो यही कि जितने समय तक इसे गीला रखना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय तक मैंने इसे गीला रखा। ये कटोरी है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी इसमें अब भी है, परंतु अब मुझे उनकी प्रतीक्षा नहीं है। वे जब भी आए मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। तो मेरी बात माने, कुछ देर विश्राम कर ले। बात सोचती हूँ अलका। अब कोई बात नहीं सोचो, चुपचाप आंखें बोलो। बात ना करें।
से कब के जा चुके हैं? कुछ पता चला वहां से अकेले ही चले हैं या? अकेले ही चले हैं। वहां से किस ओर गए हैं? ये ठीक से पता नहीं चला। ये तो पता चला होगा कि उन्हें इतना समय कैसे लग गया वहां? जिस समय वहां पहुंचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी ही देर वे उनके पास नहीं जा पाए। इस बीच कितनी ही बार वहां से उठाने को हुए परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनसे एक बार अपने यहाँ आदित्य स्वीकार करने के लिए कहा। यहाँ आदित्य स्वीकार करने के लिए कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहां से लौट कर आने लगे। आने लगे परंतु आ नहीं पाए तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? कुछ कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण स्थिर दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर विहार में चले गए। कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के लिए। बिहार में कितने समय रहे उनके साथ? कितना ही समय। सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दे। दीक्षित कर दे? हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया। कर दिया गया? कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया? नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया परंतु जब आरोप लगाया गया कि वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं तो वे स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते हुए चुप खड़े रहे। जब तक उनके केश कटते रहे तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे, परंतु कुमार ना जाने क्या सोच रहे थे कि ना तो उन्होंने केश काटने का विरोध किया और ना ही तथागत की बातों की ओर ध्यान ही दिया। पर इस तरह कुमार दीक्षित हो गए। परंतु दीक्षा के बाद जब तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा तो कुमार ने वो पात्र अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? और बिना तथागत को प्रणाम किए विहार से निकल आया। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे जैसे उन्हें अपने से और अब अपने से ही नहीं हर एक से गहरी वितृष्णा। और उसके बाद? उसके बाद कहीं तो ठीक पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया। घने जंगल की ओर? परंतु अपने शस्त्रास्त्र उनके पास नहीं थे, फिर कैसे वे घने जंगल? इसीलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। निहत्थे वे जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे यह समझ नहीं आता, परंतु लौट के यहाँ नहीं आए इसमें संदेह भी होता है कि कहीं की बात मत सोचो। जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि आर्य मैत्रेय से बात कर जिससे कुमार को खोजने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु परंतु क्या आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए। आर्य मैत्रेय भी? हाँ, वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर। नहीं, इन्हें संबंध में अभी बताना उचित नहीं। परंतु तुम ये नहीं सोचते इन्हें ना बताना भी अहितकर सिद्ध हो सकता है? ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। रात के समय घने जंगल की ओर कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं अभी नहीं जगा कर उनसे बात करती हूँ। जगाओ नहीं, सोई रहने दो। हाँ हाँ मैं, तुम जाओ उसे सोई रहने दो। कुमार पहले तुम जाओ।
एक अभ्यागत मेरे साथ है। आ जाओ भिक्षु। बैठने के लिए आसन मंगवा दूं? नहीं, मुझे बैठना नहीं। देख लो, ये है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, वो है मेरी पत्नी सुंदरी। देख रहा हूं, स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। बस इतना ही? स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहां, ये नहीं देख पा रहे? संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें ये कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूंगा। तुम बहुत उद्विग्न हो, वन में व्याघ्र के साथ वही युद्ध। मैं जानता हूं कि सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, विहार से लेकर अब तक। शायद तुम्हारे मन में आशा रही है कि मैं कहीं भी जाऊं, लौट कर अपने घर नहीं आऊंगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसीलिए प्रकट की थी, तुम्हें लगता था तुम्हें यहां लेकर आने में मुझे संकोच होगा। लेकिन देख रहे हो, मेरे मन में कहीं कोई संकोच नहीं है। विहार से सीधा यहां नहीं आया, ये मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वो भी कोई आकस्मिक घटना नहीं, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। निसंदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकती है। इसका अनुमान तथागत को था, वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तथागत का आदेश था। तथागत के आदेश के संबंध में मैं और अधिक नहीं सुनना चाहता भिक्षु। उनके आदेश से तुमने मेरे केश काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। आशा थी कि मेरी आंखों में देखकर वो जान जाएंगे कि मैं उस अनचाही दीक्षा के विषय में क्या सोच रहा हूं। उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा तो उनका दिया भिक्षा पात्र अपने हाथ में ना लेकर मैं अपना उत्तर दे आया था। उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में ना लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था, दूसरा अंश था तुम्हारा यहां आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना, तीसरा अंश है। जब तक चाहो वंश गिनते रहो भिक्षु, जब तक चाहो वंश गिनते रहो। लेकिन तथागत अवश्य जानते हैं कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया था। वे इससे अधिक जानते हैं ना, वे जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि जब तक क्या भिक्षु? जब तक मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से। नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से वो शांत ना होगी। तो फिर कैसे शांत होगी वो? ये तुम मुझसे नहीं अपने आप से पूछ रहे हो। भिक्षु, बातों का खेल अब हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, और सत्य और स्मित, मैं जानता हूं कि वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वो दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। निसंदेह नहीं है, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो और ये व्याकुलता ही तो वास्तविक आरंभ है। बातें रहने दो भिक्षु, घर देखना चाहते थे तो तुमने देख लिया, इस ओर मेरा कक्ष है, इधर उद्यान है। मैं घर देखना चाहता था ना, घर, कक्ष या उद्यान है? तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, मां अब यहां से चलना चाहूंगा।
चलते हुए कामना यही है कि कभी ना कभी तुम्हें वो आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। ठहरो भिक्षु, जाने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझसे पूछना चाहते हो? परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वो मैं नहीं। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। चाहो भिक्षु, चाहो फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूंगा। मुझे रोकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वो व्यक्ति कोई दूसरा ही है। बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु? कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? अच्छा हुआ तुमने रुके। रुकते तो जानता हो तुम क्या उत्तर देते। कहते तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते ना। मुझे आश्चर्य है लेकिन तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात उपहास है, व्यंग है। अच्छा हुआ लौट कर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहा था मैं शीघ्र लौट आऊंगा किंतु नहीं आ सका। इसे लेकर तुम्हारी आंखों में जो व्यंग उभरता मैं शायद उसका उत्तर बना दे पाता। क्या कहता कि तथागत के पास से लौट आने के बाद कल के मरे हुए मृग को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल होती कि किसी भी तरह अपने आप को आ जाने से रोक न सका और मृग के स्थान पर एक नोच खाई ठठरी को देखकर मुझे कैसा लगा और सामने से आते व्याघ्र से मैं सहसा क्यों उलझ पड़ा? क्यों क्या वो सुख की खोज थी जिसने इस तरह जीने के लिए विवश किया? एक मन का विद्रोह था बिना विश्वास एक विश्वास को अपने ऊपर लादे जाने के लिए या इसलिए कि उस समय मैं इतना सत्वहीन क्यों हो गया था कि भिक्षु आनंद के कर्तरी उठाने पर मैं चिल्ला नहीं सका। नहीं, ये विश्वास मेरा नहीं है। मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। इतना समझ में आता सुख सुख नहीं काई पर फिसलते पांव की स्पंदन मात्र रेत में डूबती बूंद की अकुलाहट, परंतु वो स्पंदन वो अकुलाहट ही क्या जीवन का पूरा अर्थ जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं है? आकाश के लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के अधिक अस्थायी अधिक सत्य कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मेरे केश काट दिए,
क्या व्यक्ति रूप में मैं अधिक सत्य हो गया? जीभ काट देते, हाथ पांव काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, मुझे या उन्हें? सुंदर, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, तुम नहीं हो, वो नहीं है। सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं, जो बनने के साथ ही मिटते चले जाते हैं, जिनका होना नहीं होने से भिन्न नहीं है। परंतु मैं पूछता हूं कि जब होने नहीं होने से कोई अंतर नहीं है, तो मेरे केश क्यों काट दिए? काट दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है? कुछ ही दिनों में फिर नए उगाएंगे। अरे अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते, मेरी आंखें बदल देते। सुंदरी, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है। मेरी आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया है, इसका मुझे खेद है। मैं इसे अभी गीला किए देता हूं। सुंदरी, मैं इसे अभी गीला किए देता हूं। कौन है यहाँ? देवी, क्या हुआ देवी? आप ऐसे क्यों बोली? ठहर, कौन कौन है यहाँ? कौन कौन है? आप हैं, मैं हूँ, श्वेता है। कोई और? कोई बाहर का व्यक्ति? बाहर का व्यक्ति? बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे एक हाथ मेरे माथे से छुआ हो और आंख खुलते खुलते एक आकृति मेरे सामने से हट गई हो? सच, कितनी विचित्र थी वो आकृति, कितनी अस्वाभाविक, कितनी असंगत। सिर एक भिक्षुकार और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, इसलिए शायद ऐसा भ्रम हुआ। मन तो आपका कल से स्वस्थ नहीं है, कल जिस समय से देख, तुझे मुझसे कल की बात नहीं करनी है, ना आज के बाद कभी। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौट कर नहीं आया, उसकी बात भी नहीं। वो बीता हुआ कल मन से जितना दूर है उतना ही अच्छा है। परंतु देवी, मैं अपने को उस कल की छाया में लौटने नहीं देना चाहती। कहना चाह रही थी कि आपसे कहना चाह रही थी। हाँ, क्या? तेरे होंठ इस तरह से कांप क्यों रहे हैं? तेरी आंखें इस तरह से पथराई हुई क्यों रही हैं? तू कुछ कहना चाहती थी ना? बता ना, क्या कहना चाहती थी? तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह से गुमसुम क्यों है? और तुम श्वेता, तुम इस तरह से जड़ से क्यों खड़े हो? तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या? इसका अर्थ कहीं ये तो नहीं कि इस समय इस कक्ष में कोई और भी है? कि आंखें खुलने पर मैंने जो देखा वो मेरे मन का भ्रम नहीं था, यथार्थ था। देवी।
से। तुम भी जाओ श्वेतांग। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस समय कैसा लग रहा है, परंतु जब कुमार लौट आए हैं तो लौट आए हैं? नहीं, लौट कर वे नहीं आए हैं। लौट कर जो आया है वो कोई दूसरा ही व्यक्ति है। दूसरा? तो तुम भी कहती हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूं केवल इसलिए कि किसी ने हर्ष से मेरे केश काट दिए, मुझे पहले से थोड़ा अप्रूव कर दिया। क्या व्यक्ति इतने से एक से दूसरा हो जाता है? तू अब भी यहाँ क्या कर रही है अलका? टूटा हुआ दर्पण हटा रही थी, पहले से ध्यान नहीं गया ना। इसे रहने दे और तू जा। कहा है ना जा, मैं इस समय अपनी कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। मुझसे भी अकेली, यही अर्थ था तुम्हारा? आपसे अकेली? क्या आप ही भी नहीं हो? इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझसे अकेली हो? आपको नहीं लग रहा? मुझे क्या लग रहा है तुम कैसे कह सकती? नहीं कह सकती ना, व्यक्ति और अकेला किस तरह से होता है? तो तुम कहना चाहती हो? नहीं, कहना मैं कुछ नहीं चाहती, परंतु मैं कहना चाहता हूं। यहां से जाने से अब तक के बीच जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें बताना चाहता हूं। इस बीच क्या क्या अनुभव किया है मैंने, किन किन मनस्थितियों में जिया हूं, इसका अनुमान तो मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती है। बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूं। परंतु बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही हो। मेरे घावों को देख कर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहां नहीं आया। इस बीच वन में जाकर एक व्याघ्र से युद्ध किया, उसके बाद भी मैं सीधा यहां नहीं आया। देखो सुंदरी, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लौट कर इस घर ना आते ना, मैं जानती हूं। नहीं, जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुमसे बांटने की बात सोच कर आया था उसके संबंध में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती। कैसी वास्तविकता होगी वो जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती? तुम्हारा ये भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें इस समय ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे। सुंदरी, इस समय मेरा शब्दों पर वश नहीं है, कहना कुछ चाहता हूं बात मुझसे कुछ निकल पड़ती है। शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। तुम ना जाने किस अर्थ की बात कर रही हो, जान सकता हूं कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अस्पष्ट नहीं है? वो जिसे छिपाने के लिए चशम में मदिरा डाल रहे हैं, किंतु इस प्रयत्न से भी वो अर्थ छिप नहीं जाएगा। तुम्हें यही लगता है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूं तो मुझे यही कहना। कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक कहती हो, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि अब मैं तुमसे अपना वास्तविक अर्थ छिपाकर नहीं रख सकता। जबकि उम्र तुम जानी गई हो तो जान अब नहीं गई हूं, सदा से जानती रही हूं। जानती रही हूं कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं। जितनी आसानी से वे सभी प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। अंतर तो केवल इतना ही है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं और आप तो बार बार प्रभावित हो सकते हैं, जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं। आशंका मेरे मन में तभी थी जब मैंने आपको यहां से भेजा था, परंतु तब एक विश्वास भी था कि पहले के प्रभाव से इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बस इतना ही जाना है, और मुझे तो लगा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। बहुत
जानने की बात कर रही हो ना, तो अच्छा है इतना और जान लो कि मैं इस समय यहां क्यों हूं, कल यहां क्यों था और वर्षों से यहां क्यों रहा हूं। किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। और आज और कल के बीच जो बाहर रहा हो वो भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण। मैं तो कब से जानता हूं कि मैं यहां पूरा जीने के लिए नहीं हूं, और ये भी कि यहां से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूं। कहां कितना किस बिंदु पर जीने के लिए हूं, इसका उत्तर मैं आज तक अपने आप को नहीं दे पाता। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब सुनना सह नहीं, इसलिए सह नहीं क्योंकि तुम समझती हो कि तुम ही वो केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता रहता हूं। परंतु मैं अपने आप को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूं जिसका कोई धुरा नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है। जिस किसी दिशा की तरफ पैर बढ़ाता हूं लगता है वो दिशा सब अपने ध्रुव पर टक लगा रही है। अब मैं पीछे हट जाता हूं, देखो ना वहां था तो मन यहां के लिए व्याकुल था, तुम्हारे सामने हो तो मन कहीं और के लिए व्याकुल, क्योंकि यहां हो या वहां मैं हर जगह अपने आप को एक साधु अनुभव करता हूं। क्योंकि तुम हो या वो, कोई भी मेरी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब मैं किसी भी रूप में अपने आप को छुटला कर नहीं सकता, क्योंकि मैं ये भी हूं और वो भी, इनमें से कोई एक नहीं। जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूं, yeah।
रही हूँ।